इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं, हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा कि किस तरीके से बेसिक लॉजिक गेट्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं वेरीलॉग के अंदर। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लुक इनटू डिज़ाइनिंग द कॉम्बिनेशन सर्किट, यानी उन्हीं लॉजिक गेट्स को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में ज्वाइन जब कर दिया जाता है तो द सर्किट रिजल्टिंग इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम आज देखेंगे किस तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हम वेरीलॉग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है या ये होते क्या हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इन्हीं बेसिक लॉजिक गेट, जैसे कि मैंने पहले कहा, एंड और नॉट, इन्हीं से मिलकर बनाया जाता है। अब इन्हीं को एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में जब रख दिया जाता है तो इनके इस सर्किट के इनपुट और आउटपुट के दरमियान जाहिर है कि एक रिलेशन बन जाता है। तो अब अगर मुझे एक सर्किट से एक डिजायर्ड काम कराना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, तो मिसाल के तौर पे किसी शख्स की मूवमेंट को सेंस करके कुछ कोई एलईडी जला दे, या मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरा एक लॉजिक सर्किट हो वो जब मेरी गाड़ी की बेल्ट लगी हुई हो तो वो अलाउ करे कि गाड़ी का इग्निशन चले। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन रिक्वायरमेंट इनपुट और आउटपुट्स का ऐसा रिलेशन सेट करता हूँ और इन इन गेट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि जिसके ज़रिए से इनपुट और आउटपुट्स का ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो मेरा डिज़ायर्ड होता है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। मैं इससे पहले बताता चलूँ कि इन कॉम्बिनेशन सर्किट्स की खासियत ये होती है कि जैसे ही इनका इनपुट चेंज होता है विदाउट एनी फर्दर अडू या विदाउट एनी फर्दर डिले या विदाउट एनी फर्दर चेकिंग ऑफ एनी अदर कंडीशन, उनका आउटपुट भी फौरन से चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, और उनकी फर्दर डिटेल्ड डायग्राम भी बनाई गई है कि इस इन्हीं गेट्स को मिला के, इन्हीं गेट्स कॉम्बिनेशन को मिला के कॉम्बिनेशन सर्किट्स को बनाया जाता है। अच्छा, अब वी विल टेक एन एग्जाम्पल के जिसके तहत हम ये समझेंगे कि भाई कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, एंड अल्टीमेटली वी गो टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्किट और मॉडलिंग ऑफ द सर्किट इन वेरीलॉग। अज्यूम करें हमें एक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट दी गई है कि भाई एक एलईडी है, एलईडी शुड टर्न ऑन इफ द सन इज सेट, यानी कि सूरज गुरूब हो चुका है और अंधेरा है तो एलईडी को टर्न ऑन होना चाहिए। एक एलईडी को टर्न ऑन होना चाहिए, उसकी दो तीन कंडीशन यहाँ पे बताई गई। एक तो इफ इफ द सन इज सेट, दूसरी कंडीशन क्या है एंड अ पर्सन मूव्स इन फ्रंट ऑफ इट, तीसरी कंडीशन क्या है पर्सन मूव्स इन फ्रंट ऑफ इट विद अ व्हीकल, यानी तीन कंडीशन है। एलईडी शुड टर्न ऑन इफ द सन इज सेट, सूरज गुरूब हो चुका हो, पर्सन मूव्स इन फ्रंट, उसके सामने से कोई गुजरे, एंड द पर्सन मूव्स इन फ्रंट ऑफ इट विद अ व्हीकल, यानी कि एक एलईडी है उसके सामने से एक शख्स गुजर रहा है और वो एक गाड़ी पे या बाइक पे गुजर रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है, इस कंडीशन में इस एलईडी को जल जाना चाहिए। तो फिर ये कहते हैं कि जनाब डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट। तो अब हम इस रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए अपने कॉम्बिनेशन सर्किट को बनाएंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू द डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट, जिनमें से ये है कि सबसे पहले तो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि जनाब हमारे इनपुट और आउटपुट्स ऑफ द सर्किट क्या होंगे। तो हमें अब अकॉर्डिंग टू आर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हमारा एक हमें हमें इंट्यूटिवली ये समझ में आता है कि जनाब एक सेंसर होना चाहिए, एक ऐसा इनपुट होना चाहिए कि जो डिजिटली वन या जीरो की जुबान में हमें ये बता रहा हो कि भाई सन अभी सेट हो गया है या नहीं हुआ, या सूरज अभी मौजूद है या नहीं है, सूरज मौजूद है या गुरूब हो चुका है। दूसरा जो चीज़ हमें दूसरा जो इनपुट हमें समझ में आता है वो हमें ये समझ में आता है कि भाई हमें एक डिजिटल रिक्वायरमेंट डिजिटल इनपुट इस बात का भी आना चाहिए, वन या जीरो की जबान में इस बात का भी इनपुट आना चाहिए कि कोई एलईडी के सामने से मूव हो रहा है या नहीं। और तीसरा इनपुट जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि भाई हमें एक डिजिटल इनपुट और आना चाहिए कि भाई वो जो शख्स उस एलईडी के सामने से मूव हो रहा है वो किसी गाड़ी पे या किसी बाइक पे या किसी व्हीकल पे बैठा हुआ है या फिर नहीं, वो पैदल चल रहा है। तो अगर वो व्हीकल पे बैठा हुआ है तो मुझे वन मिलना चाहिए, अगर वो व्हीकल पे नहीं बैठा हुआ तो मुझे वो जीरो देना। तो ये तीन इनपुट हमें समझ में आते हैं कि जिसको हमने सिंबलाइज भी कर लिया कि जनाब हमने सन का एक वेरिएबल रख दिया एस, पर्सन मूविंग का पी और व्हीकल का वी।
तो दस अब ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि सन का जो वेरिएबल एस है दैट इज वन व्हेन द सन इज प्रेजेंट एंड जीरो व्हेन द सन व्हेन व्हेन इट इज सेट. यानी सन का वेरिएबल वन है कि जब सूरज मौजूद है और जीरो है कि जब सूरज गुरूब हो चुका है. इसी तरीके से पी और वी भी इसी तरीके से माने रखते हैं. इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग द ट्रुथ टेबल जिनमें हमें इन तमाम कंडीशंस के अगेंस्ट जो एलईडी का आउटपुट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वंस एंड जीरोज हैं इन तीनों इनपुट्स के उनके अगेंस्ट हमें एलईडी का आउटपुट बताना होता है कि भाई हमारे सर्किट से हम क्या चाहते हैं. यानी मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल छोटी सी है कि अगर सन जीरो एस की वेरिएबल जीरो हो पी जीरो हो और वी जीरो हो. इसका इफेक्टिवली मतलब क्या है? इसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि जनाब सूरज तो नहीं है लेकिन कोई सामने से मूव भी नहीं कर रहा. यानी सूरज नहीं है लेकिन कोई नो पर्सन इज मूविंग इन फ्रंट. तीसरा कोई तीसरा जो कोई चूंकि कोई पर्सन मूव ही नहीं कर रहा तो जाहिर है व्हीकल पे है या नहीं है तो ये तो इरेलीवेंट बात हो जाती. तो इसी तरीके से हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन या तमाम पॉसिबल कंडीशन के लिए इनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वट वी गेट इज अ ट्रुथ टेबल. अब ट्रुथ टेबल से हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि एक इक्वेशन निकालनी होती है कि जो इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट्स इन टर्म्स ऑफ द लॉजिक गेट्स के जिनको हमने पिछले लैब में डिजाइन किया पिछली वीडियो में डिजाइन किया उन्हीं लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए एक ऐसी बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए कि जिसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जो डिजायर्ड डिजायर्ड डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए. उस इस ट्रुथ टेबल से इक्वेशन निकालने के डिफरेंट तरीके जिनमें मेनली जो दो तरीके हैं वो एसओपी और पीओएस फॉर्म है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. तो जब हम इसका सम ऑफ प्रोडक्ट से इसकी एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे दिखती होगी कि जनाब एलईडी इज इक्वल्स टू एस बार एंड पी एंड वी. अब अगर इसको गौर से देखें तो हमारी कंडीशन ये थी कि जब सूरज गुरूब हो चुका हो उस एलईडी के सामने से कोई शख्स गुजरे और वो गुजरने वाला शख्स किसी व्हीकल पे मौजूद हो तो ही इस एलईडी को जलना चाहिए. तो अगर आप इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखो तो बिल्कुल ये बूलियन एक्सप्रेशन शो कर रही है कि जब सूरज गुरूब हो चुका है तो एस की वैल्यू जीरो है क्योंकि इस पर नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये जीरो को नॉट करके वन कर देगा. एंड हो रहा है किस चीज के साथ? पी के साथ. सामने से अगर कोई बंदा गुजर रहा है तो हमारे पास पी का आउटपुट वन आ रहा होगा यानी पी से इनपुट हमारे पास वन आ रहा होगा. इसी तरीके से अगर वो बंदा व्हीकल पे गुजर रहा है तो भी हमारे पास इनपुट जो है वो वी का इनपुट जो है वो वन आ रहा होगा. तो वन एंड वन एंड वन द रिजल्ट इज वन. तो उसी सूरत में सिर्फ एलईडी जलेगी उसके अलावा किसी और कंडीशन पे हमारे पास एलईडी नहीं जल रही. अब जबकि हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है तो वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द बूलियन इक्वेशन इन वेरिलॉग ताकि हम इसका सर्किट बना सकें एंड अल्टीमेटली फिर हम इसको सिमुलेट भी करके देखेंगे फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि भाई हमारा जो सर्किट है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा. सिमुलेशन के लिए ऑब्वियसली विल बी यूज इन टेस्ट बेंच. तो सिंपली आई जस्ट गो इन माई फोल्डर एंड क्रिएट अ फाइल फॉर द डिज़ाइन जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे डिज़ाइन डॉट वी. अब इस डिज़ाइन डॉट वी की फाइल में व्हाट आई एम इम्प्लीमेंटिंग इज दी कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर एलईडी. अच्छा अब जैसे कि हमने पिछली लैब में देखा जब भी कोई वेरिलॉग का मॉड्यूल बना रहे होते हैं तो वेरिलॉग की कोडिंग कर रहे होते हैं तो एवरीथिंग गेट्स इनकैप्सुलेटेड इन साइड अ मॉड्यूल. हर चीज को हमें मॉड्यूल के अंदर बनाना होता है. इस मॉड्यूल को मैं नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे कॉम्बिनेशनल सर्किट. और इसके फिर अब मैं इन अब मेरे पास मैंने इनपुट्स और आउटपुट्स का पहले से डिसीजन कर लिया था तो मैं सिंपली यहाँ पे इनको नोट डाउन कर दूंगा कि मेरे इनपुट्स एस पी वी और मेरा एक आउटपुट है एलईडी. इसी तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट्स को डिक्लेयर भी कर दूंगा एस पी वी और आउटपुट पोर्ट को भी डिक्लेयर कर दूंगा एलईडी. अच्छा अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को.
तो बूलियन एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं जब बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी उसको आम जुबान में, या जिस टाइप ऑफ मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी उसको आम जुबान में डेटा फ्लो मॉडलिंग कहते हैं। डेटा फ्लो मॉडलिंग क्या होती है? डेटा फ्लो मॉडलिंग बेसिकली एक टेक्निक है कि जिसके जरिए से हम अपनी बूलियन एक्सप्रेशन या कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो एक्सप्रेशन, यानी बूलियन एक्सप्रेशन जो बनती हैं, उनको जाके हम एग्जैक्टली वेरीलॉग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर कुछ उसूल हैं कि जिनके तहत हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स को वेरीलॉग में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो डेटा फ्लो मॉडलिंग का उसूल ये है कि इनमें जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो असाइन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। असाइन, अच्छा, अब असाइन, असाइन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ असाइनमेंट इन वेरीलॉग। असाइनमेंट का मतलब ये है कि जनाब आर एच एस की वैल्यू, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो इस सूरत में इस वक्त हमारे पास LED के नाम से होगा क्योंकि हमारा आउटपुट है। हम इस आउटपुट में रिजल्टिंग लॉजिक को असाइन कराना चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन आई है, इस बूलियन एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो हम अपने आउटपुट LED के अंदर स्टोर कर लें। तो इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आउटपुट होगा और राइट हैंड साइड पे वो लॉजिक होगी कि जो सॉल्व होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में स्टोर होगा। वो इस वक्त हमारी कंडीशन में वो लॉजिक इस बूलियन एक्सप्रेशन में दिखाई गई है। अच्छा, अब जब डेटा फ्लो मॉडलिंग को मैं डिजाइन कर रहा होता हूँ या डेटा फ्लो मॉडलिंग के जरिए से सर्किट्स को डिजाइन कर रहा होता हूँ, तो इन कॉन्ट्रेरी विद गेट लेवल मॉडलिंग, मुझे गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या मुझे गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गेट्स के मॉड्यूल को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं सिंपल सिंबल्स के साथ गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यानी अगर आप इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखें तो बेसिकली इसमें दो एंड गेट्स हैं, ठीक है। एस बार एंड हो रहा है पी के साथ और पी एंड हो रहा है वी के साथ। इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है। अब यानी कि ये एक एंड गेट, अब इसको इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जाएंगे तो हमें सबसे पहले तो हमें एक चीज चाहिए, हमें एस बार चाहिए। ठीक है, एस बार का मतलब ये है कि हमने इनपुट एस को पहले एक नॉट गेट से गुजारना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले जब डेटा फ्लो मॉडलिंग कर रहे होते थे तो हम नॉट गेट का एक मॉड्यूल कॉल करते थे, लेकिन अब डेटा फ्लो जब हम गेट लेवल मॉडलिंग कर रहे होते थे, आई एम सॉरी, उस वक्त हम नॉट गेट का एक मॉड्यूल कॉल करते थे, लेकिन अब जब हम डेटा फ्लो मॉडलिंग पे आए हैं तो बजाय इसके कि हम नॉट गेट का मॉड्यूल कॉल करें, हम नॉट गेट का एक सिंबल देते हैं। डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर नॉट गेट का सिंबल ये सिंबल होता है, इस सिंबल को नॉट गेट का सिंबल माना जाता है। जिस सिग्नल को मुझे नॉट करना है वो एस है, तो मैं यहाँ पे एस मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे इस एस के सिग्नल को एंड करना है पी के साथ, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये जो सिंबल है ये एंड गेट का सिंबल है, मैं पी के साथ एंड कर देता हूँ। प्लस जो आखिरी चीज़ है, मुझे इस पी को भी एंड करना है वी के साथ, तो मैं ये काम भी कर देता हूँ। अच्छा, अब एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप तमाम ऑपरेंड्स को, यानी कि जो ऑपरेंड मतलब पी एस वी जो कि एक्सप्रेशन के ऑपरेंड है, इनको आप ब्रैकेट्स के अंदर रखें ताकि देखने में आपको आसानी हो वंस यू आर डीबगिंग द सर्किट। जब आप अब विद दिस आर डिज़ाइन इज कंप्लीट, और अब हम इसकी टेस्ट बेंच बनाएंगे ताकि हम इसकी फंक्शनिंग को वेरीफाई कर सकें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो ये कि डेटा फ्लो मॉडलिंग के कुछ उसूल हैं। डेटा फ्लो मॉडलिंग के, यानी कि इस तरीके की जो मॉडलिंग है, इसके कुछ उसूल होते हैं। उसके उसूलों में सबसे पहला उसूल ये है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है, दिस शुड ऑलवेज बी अ वायर टाइप वेरिएबल। वेरीलॉग के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप्स होती हैं, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग, और डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग दो टाइप की होती हैं, वन इज वायर एंड द अदर वन इज रेज। चूंकि ये एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है तो उसकी डेटा टाइप्स भी सर्किट से रिलेटेड होती हैं। तो वायर लिटरली मतलब एक तार जिसके अंदर आपने एक सर्किट का रिजल्ट जनरेट करना है,
ये जिसके अंदर आपने एक सर्किट का रिजल्ट स्टोर कराना है, या स्टोर तो मैं नहीं कहूंगा, जिसके अंदर एक सर्किट का रिजल्ट आ रहा होता है, एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा होता है। रेज का जो वेरिएबल है ये डिजाइन में इस्तेमाल होता है फॉर क्रिएटिंग फ्लिप फ्लॉप्स के, जिसको हम आगे की वीडियोज में देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। फिलहाल समझने के लिए डेटा फ्लो मॉडलिंग का पहला उसूल ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी अ वायर। यहाँ पे आप रेज वेरिएबल टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको नहीं रख सकते, यानी आप रेज में यूजिंग द असाइन स्टेटमेंट असाइनमेंट नहीं करा सकते, या यूजिंग द डेटा फ्लो मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं करा सकते। आप सिर्फ वायर में यूजिंग द डेटा फ्लो मॉडलिंग असाइन करा सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके को डेटा फ्लो मॉडलिंग कहते हैं, जस्ट फॉर जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन इफ देयर इज एनी पोटेंशियल कंफ्यूजंस। इस मॉडलिंग के तरीके को डेटा फ्लो मॉडलिंग कहा जाता है, और उस तरीके को कि जिस तरीके में हम असाइनमेंट करा रहे होते हैं यूजिंग दी असाइन स्टेटमेंट, इसको कंटिन्यूअस असाइनमेंट भी कहते हैं। अब दूसरा उसूल ये है कि जो राइट हैंड साइड है इट कुड हैव इन इट सेल्फ वायर्स और रजिस्टर्स, यानी इसमें इसमें कोई कैद नहीं है, इसमें रजिस्टर्स भी हो सकते हैं राइट हैंड साइड में, इसमें वायर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंपली यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज आपस में एंड और नॉट गेट से गुजर के आ रही होती हैं, और उनको उनको फिर उनको फिर सिग्नल्स बेसिकली एंड और नॉट गेट से गुजरते हुए आ रहे होते हैं, और उनको फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना होता है। तो ऑन द राइट हैंड साइड देर इज नो लिमिटेशन, यहाँ पे रेज भी हो सकता है, यहाँ पे वायर भी हो सकता है। अच्छा, विद दिस वील मूव ऑन टूवर्ड्स मेकिंग द टेस्ट बेंच फॉर आर डिजाइन। इसके लिए हमें जाहिर है एक और फाइल बनानी पड़ेगी, इसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट बेंच। अब इस टेस्ट बेंच डॉट वी के अंदर ऑब्वियसली मैं कॉल कर रहा हूँ अपना ये डिजाइन, इस डिजाइन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे इस डिजाइन को कॉल करने के लिए इस डिजाइन को अपनी टेस्ट बेंच के अंदर इंस्टेंटिएट भी करना पड़ेगा। लेकिन बिफोर दैट आई विल जस्ट क्रिएट द अदर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद मैं अपने डिजाइन को इंस्टेंटिएट करूंगा। अब चूंकि मैं अपने डिजाइन को इंस्टेंटिएट कर रहा हूँ तो मुझे इस इंस्टेंस का नाम भी देना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं अपने डिजाइन को कॉल कर रहा हूँ टेस्ट बेंच की फाइल के अंदर, ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूँ। अब मुझे इन सिग्नल्स के साथ जो डिजाइन के सिग्नल्स हैं टेस्ट बेंच के सिग्नल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे अगर अज्यूम करें कि आप एक लैब में बैठे हैं और आपने और गेट की इकाई सी को इम्प्लीमेंट करना है, और गेट की इकाई सी को टेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली उस और गेट की इकाई सी को टेस्ट करने के लिए विल नीड जम्पर वायर्स, ताकि वो पावर सप्लाई का वोल्टेज जाके कनेक्ट कर सकें और गेट के इनपुट्स के साथ। तो ये समझें कि बिल्कुल टेस्ट बेंच में हम जम्पर वायर्स को वोल्टेज दे रहे हैं, और वो वोल्टेज फिर वो कन्वर्ट करके वो वोल्टेज कैरी करके वो ले जा रही हैं, या वो सिग्नल वो कैरी करके ले जा रही है टुवर्ड्स आर डिजाइन वेरिएबल्स, जो डिजाइन वेरिएबल्स के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स को। तो टेस्ट बेंच के अंदर जब आप वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, तो इनपुट्स के लिए यू डिक्लेयर रेज, लेट्स गिव हिम द नेम्स एस एस लेट्स मेक देम सेम, यानी कि हम सेम नाम रख देते हैं, वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, पी वी। और आउटपुट के लिए हमें वायर यूज करना पड़ता है, यानी कि अगर आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करना है तो आई यूज वायर। सिंपली जाके मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ, एस टी के साथ टी कनेक्ट हो जाएगा, वाई वी के साथ वी कनेक्ट होगा, एंड अल्टीमेटली एलईडी के साथ एलईडी कनेक्ट होगा। इसके बाद दी नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक श्योर के हम इसकी जब डम्प फाइल बनाएं तो डम्प फाइल सही क्रिएट हो रही हो। उसके लिए ऑब्वियसली वील हैव टू गिव दीज कमांड्स, एंड द लास्ट स्टेज इज टू गिव स्टिमुलस टू आर डिजाइन। स्टिमुलस एक टेक्निकल टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है आईसी डिजाइनिंग के अंदर या वेरीलॉग डिजाइनिंग के अंदर, और इसका यह मतलब होता है कि यू आर गिविंग इनपुट्स टू योर डिजाइन। तो अब हमारे पास डिजाइन में तीन वेरिएबल्स हैं, एस उसको मैं लेट्स से इनिशियली वेरी दे देता हूँ 1B0, हमारे पास दूसरा इनपुट है पी,
उसको मैं मिसाल के तौर पर वैल्यू दे देता हूँ 1B1, और तीसरा इनपुट है V, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1B0। फिर मैं एक डिले लेके आता हूँ ताकि मैं वेव फॉर्म पे सही से इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जो डिज़ाइन का आउटपुट है मैं उसको देख सकूं। और फिर मैं एक नया कॉम्बिनेशन देता हूँ जिसके अंदर मैं 001 कर देता हूँ, यानी कि सनसेट है, पोजीशन कोई पर्सन उसके सामने से मूव हुआ है एलईडी के सामने से, और वो पर्सन व्हीकल पे मूव हुआ है। तो अल्टीमेटली आफ्टर 100 नैनो सेकेंड्स मैंने एक ऐसी कंडीशन दे दी है कि जिस कंडीशन के तहत एलईडी के सिग्नल को 1 हो जाना चाहिए। पहले कंडीशन में यहाँ 0 होना चाहिए और फिर अल्टीमेटली 1 हो जाना चाहिए। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि आया ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। तो लेट्स गो टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन एंड लेट्स गो टुवर्ड्स मेकिंग और सिमुलेटिंग द डिज़ाइन। उसके लिए हम मशहूर जमाना कमांड आई वेरीलॉग -O लिखते हैं, आउटपुट प्लस स्पेस out.vvp, और फिर अब अपनी टेस्ट बेंच की फाइल का नाम टेस्ट टेस्ट बेंच डॉट वी। इसी के साथ साथ हम अपनी डिजाइन फाइल का भी नाम लिखते हैं। मैंने डिजाइन फाइल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आई विल जस्ट गो एंड रीनेम द फाइल। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आई सी कि देयर इज नो एरर इन माय डिजाइन, और फिर वीवीपी आउट डॉट वीवीपी कमांड चलाऊंगा एंड अल्टीमेटली जीटी के वेव पे अपने रिजल्ट्स को देख लूंगा। जीटी के वेव पे आने के बाद आई गो इन फाइल्स, ओपन न्यू टैब एंड आई ओपन द डंप फाइल, डंप डॉट वीसीडी फाइल जो कि क्रिएट हुई है। मेरे पास यहाँ पे सिग्नल्स आ जाएंगे। सबसे तो पहले मैं एस का सिग्नल ले लेता हूँ, फिर मैं पी का सिग्नल ले लेता हूँ, और मैं वी का सिग्नल ले लेता हूँ, अल्टीमेटली फिर मैं एलईडी का सिग्नल ले लेता हूँ। और फिर जब मैं इसको जूम टू फिट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 0 से 100 तक मैंने जो इनपुट्स दिए थे वो उसमें ये था कि S0 होगा, P1 होगा एंड V0 होगा। वो इनपुट्स हैं उस उन इनपुट्स के अगेंस्ट जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है एलईडी का, वो 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, मैं S को 0, पी को 1 और वी को 1 करता हूँ, तो मेरे पास एलईडी का आउटपुट हाई आना शुरू हो जाता है। तो हेंस वेरीफाइड आर डिज़ाइन इज करेक्ट। अच्छा, अब ये एक सिंपल डिज़ाइन था। इसी के अगेंस्ट अगर मैं थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की तरफ, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट की तरफ ले जाना चाहूँ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट है कि जिसको हम अब वेरिलॉग पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और आएंगी कि जिसको आपने देखने की ज़रूरत है वाइल डिज़ाइनिंग द कॉम्बिनेशन सर्किट। अगर इस सर्किट को गौर से देखें तो हमने ऊपर वाले सर्किट के अंदर देखा था कि जो हमारा एक्सप्रेशन था, बूलियन एक्सप्रेशन था, उसका आउटपुट हमारे मॉड्यूल का आउटपुट, यानी ये जो एलईडी है ये हमारे मॉड्यूल का आउटपुट था कि जिसके अंदर हमने डायरेक्टली इस लॉजिक को असाइन करा दिया था। और अल्टीमेटली हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने लॉजिक सॉल्व होती थी और वो आउटपुट में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस सर्किट में ऐसा नहीं है। इस सर्किट में इनपुट ए एंड बी एक एंड गेट से होते हुए गुजरते हैं, और उस एंड गेट का रिजल्ट फिर एक और एंड एक नैंड गेट से होते हुए गुजरते हैं इनपुट ए एंड बी, और फिर इस नैंड गेट का रिजल्ट एक और एंड गेट का इनपुट बनता है, और उस एंड गेट के तीन और दो और ऑपरेंड्स होते हैं। एक तो सी इनपुट डायरेक्टली आ रहा होता है उसके अंदर, प्लस एक और ऑपरेंड होता है उसका कि जो ए और बी का नॉर रिजल्ट होता है वो उसका एक और ऑपरेंड होता है। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 से 3 गेट को इम्प्लीमेंट करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम सबसे पहले दो वायर वेरिएबल्स बनाएं, और उन वायर वेरिएबल्स के अंदर ए नैंड बी और ए नॉर बी, इनका रिजल्ट सेव करा लें। और फिर हमारे पास इन्हीं इन्हीं वायर वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम फिर आखिरी वाला एंड गेट इम्प्लीमेंट। लेट्स गो टुवर्ड्स कोडिंग। इसी फाइल के अंदर
सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट को चेंज कर दूं, ए बी सी, और हमारा जो आउटपुट है वो क्यू है। ए बी सी क्यू, इसके साथ साथ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक वायर वेरिएबल असाइन कराना है। हमने बात की थी कि वेरीलॉग के अंदर दो रीड टाइप्स होती हैं, तो हम एक वेरिएबल असाइन कराते हैं जिसकी डेटा टाइप हम वायर रखते हैं, और उस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं ए नैंड। ऑब्वियसली नाम में कुछ भी लग सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये नाम रख रहा हूँ। और दूसरे वेरिएबल का, जो दूसरा वेरिएबल हमने वायर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराना, उसका मैं नाम रखता हूँ ए नॉर बी। अच्छा, अब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर मुझे असाइन करानी है लॉजिक, यानी मुझे ए एंड बी के अंदर, ए नैंड बी के अंदर एक नैंड गेट बना के ए एंड बी को नैंड गेट में से गुजारने, और उसका रिजल्ट फिर ए नैंड बी वाले वायर के अंदर असाइन कराना है। तो मैं ए नैंड बी बनाता हूँ, असाइन ए नैंड बी इज इक्वल टू। अच्छा, अब मैं नैंड गेट कैसे बनाऊंगा, मैं नैंड गेट बनाऊंगा नॉट गेट लगा के, क्योंकि नैंड का मतलब होता है कि पहले एंड गेट और उस एंड गेट के रिजल्ट को नॉट कर दूं, नॉट गेट लगा के, और फिर मैं कर दूंगा ए एंड ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि मैं इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दूं। ये मेरे पास ए नैंड बी का रिजल्ट हो गया। इसके बाद मुझे एक और असाइनमेंट करानी है, एक और लॉजिक बनानी है, ए नॉर बी। इस ए नॉर बी के बी अगेंस्ट, अगेन मतलब यही है कि मैं सबसे पहले तो एक नॉट गेट लगाऊं, और मैं बेसिकली नॉट किसको कर रहा हूं, ए और बी को मैं नॉट कर रहा हूं, ताकि मैं नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं। अब मेरा जो तीसरा फेज है सर्किट के अंदर, वो बेसिकली यही है कि मैं आखिरी एंड गेट के अंदर ए नैंड बी से आने वाला रिजल्ट, मैं आखिरी एंड गेट के अंदर, इस एंड गेट के अंदर ए एंड बी से आने वाला रिजल्ट प्लस ए नॉर बी से आने वाला रिजल्ट और सी वाला इनपुट, इन तीनों को, ये तीनों ऑपरेंड हैं इस एक नैंड गेट, इस एक एंड गेट। मैं बेसिकली, इसका मतलब बेसिकली यही है कि ए नैंड बी वाला वायर और सी वाला वायर आपस में एंड हो रहा है, और इन दोनों का रिजल्ट फिर ए नॉर बी वाले वायर के साथ एंड हो रहा है। तो हम ये चीज इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जब हम ये चीज इंप्लीमेंट करने पे जाएंगे, तो बेसिकली होगा ये, असाइन। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब ये वाला नैंड गेट का जो रिजल्ट है, इस नैंड गेट का जो रिजल्ट है वो हमारा क्यू है, यानी कि वो हमारा आउटपुट है, तो हम अपने आउटपुट में डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट और इनपुट पोर्ट बाय डिफॉल्ट वायर टाइप के, यानी उनकी डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट वायर होती है। असाइन क्यू इज इक्वल्स टू ए नैंड बी, जो हमारा एक वायर है, एंड इसका रिजल्ट मैं एंड करूंगा ए नॉर बी के साथ, जो हमारा दूसरा वायर है, और एक और चीज का मुझे एंड करना था, वो सी था। तो मैंने एक ही एक्सप्रेशन के अंदर क्या किया, मैंने एक ही एक्सप्रेशन के अंदर तीन ऑपरेंड वाला एक एंड गेट बना दिया, कि जिसके तीन ऑपरेंड्स थे, नेमली ए नैंड बी, ए नॉर बी के दो वायर्स, और प्लस एक सी। नाउ द डिजाइन इज कंप्लीट, आई जस्ट गो टूवर्ड्स मेकिंग द टेस्ट बेंच एज पर द चेंजेस आई हैव मेड इन द आरटीएल। मैंने इनपुट और आउटपुट के नाम चेंज कर दिए थे, ए बी सी, और आउटपुट का नाम कर दिया था मैंने।
I'll just change the names. Obviously, जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो I'll have to change the names as well. इसको शुरू से इनपुट्स के साथ ही चलाते हैं. बी बी सी सी क्यू इसी तरीके से जाहिर है. मैंने अब टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए तो आई हैव टू अपडेट देम अकॉर्डिंगली. दो ही कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट हम इस सर्किट को टेस्ट कर रहे होंगे. एक कॉम्बिनेशन हम ऐसा ले लेते हैं जिसपे सर्किट का रिजल्ट 0 आ रहा हो, और एक कॉम्बिनेशन हम ऐसा ले लेते हैं जिसपे सर्किट का रिजल्ट 1 आ रहा हो, ताकि हम इसको आराम से टेस्ट कर सकें. अगर इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट का रिजल्ट किस वो कौन सी पॉसिबल कंडीशन है कि जिस पे सर्किट का रिजल्ट 1 आ रहा होगा, उसमें अगर गौर से देखें तो उसमें से एक कंडीशन तो ये है कि सी की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, प्लस ए नैंड बी का रिजल्ट भी 1 होना चाहिए, और ए नॉर बी का रिजल्ट भी 1 होना चाहिए. ए नैंड बी का रिजल्ट उस वक्त 1 होता है कि जब आपका ए और बी दोनों 0 हो, प्लस ए नॉर बी का रिजल्ट उस वक्त वन होता है कि जब आपका ए और बी दोनों 0. तो इसका मतलब है कि ए और बी के दोनों के 0 होने का दोनों का 0 होना यहाँ पे जरूरी है. ये हमें कैसी कंडीशन ले लेता है ताकि हम अपने सर्किट को वेरीफाई कर सकें. C1 होना चाहिए. अब हम इस सर्किट को वेरीफाई करने जाते हैं. आई गेस देयर इज एन एरर. पोर्ट सी इज नॉट अ पोर्ट ऑफ डिजाइन एंड टेस्ट. लेट्स चेक व्हाट द प्रॉब्लम. जी यहाँ पे हमने पोर्ट सी को मेंशन नहीं किया था. इसको और मेंशन कर देते हैं. दिस वाज अ स्प्रिंट डिजाइन विदाउट एनी इशू चल गया है, और हम इसकी जीटी के वेव पे हम इसका सिंपल कंट्रोल टी करके भी आप डायरेक्ट उस मेन्यू पे जा सकते हैं जिस मेन्यू से आपने डम डॉट वीसीडी फाइल को उठाना है. देख लेते हैं ए बी सी एंड क्यू. तो पहली जो 100 नैनो सेकंड है उस पर जो कंडीशन है उसके तहत हमारा क्यू आउटपुट 0 है एज एक्सपेक्टेड, एंड अल्टीमेटली फिर आखिरी वाली जो कंडीशन है उसके तहत हमारा क्यू आउटपुट 1 है एज एक्सपेक्टेड. सिर्फ बाद में एक छोटी सी यहाँ पे एंड में बता चलूँ कि जो ये वायर है ये एक इंटरनल वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप वायर है, और ये एक लिटरली एक तार को शो कर रहा है. तो एक तार होता है नॉर्मल, तो इसके जब इस वेरिलॉग का जब एक जब जब इस वेरीलॉग मॉड्यूल का एक सर्किट बनेगा तो बेसिकली वो यही सर्किट बनेगा क्योंकि हमने यही चीज मॉड्यूल की. अगर इस सर्किट के अंदर आप ये देखें तो ए नैंड बी का रिजल्ट एक वायर में जा रहा है. बेसिकली ए नैंड बी का वायर वेरीलॉग में डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि मैं इस सर्किट में एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा जिस इम्प्लीमेंटेशन में मैं ए नैंड बी के रिजल्ट को एक वायर में असाइन करा रहा हूँ. तो बिल्कुल ऐसी है कि मैं इस गेट के साथ एक आउटपुट पे एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली फिर मैं इस वायर को फिर इनपुट बना देता हूँ एक और गेट की लॉजिक का, जो कि मैंने फिर पहले ए नैंड बी कैलकुलेट किया, फिर ए नॉर बी कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों वायर्स को इस क्यू की लॉजिक का इनपुट बना दिया, इस क्यू के जो एंड गेट था उसका इनपुट बना दिया, जो तीन इनपुट का एंड गेट था, एंड अल्टीमेटली फिर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट हो गई. तो इस टेक्निक को यूज करते हुए यू कैन इम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक इन वेरीलॉग. एंड आई होप आई वाज क्लियर इनफ, एंड इट वाज अमेजिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू. थैंक यू.